ये कहानी या ये सच्ची घटना आप कह सकते हैं बाबा की समाधि लेने से पहले की है। कहा जाता है कि साल 1910 में मुंबई के एक बहुत बड़े धनी व्यापारी का बेटा बीमार हो गया। उसका काफ़ी इलाज कराया, इधर उधर हर डॉक्टर को दिखाया, पर वह ठीक नहीं हो पाया। वह उसे, जो कि व्यापारी था, अपने बेटे को लेके साईं बाबा के पास जाने को तैयार हुआ। मन में यही उम्मीद थी कि शायद अब बाबा ही हैं जो मेरे बेटे को ठीक करेंगे। वह अपने परिवार के साथ शिरडी गया। वहाँ उसने साईं बाबा को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे अपनी पीड़ा कही और कहा, मन ही मन कहा, बाबा आप सब जाने जान हो, आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो कि मेरे साथ क्या बीत रही है। तो बाबा तो है ही हमारे अंतर्यामी। वो भाग गए कि उसके बेटे की तबीयत काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है। तो बाबा ने भी उसके बेटे की ओर देखकर उसे आशीर्वाद दिया। शाम होते होते बालक की चमत्कारी तरीके से स्थिति सुधरने लगी। ये देखकर पूरा परिवार दंग रह गया। वह पुनः साईं बाबा के पास परिवार गया और उनका आभार जताने लगा कि बाबा आप ही हैं जिन्होंने हमारे इस बच्चे की सेहत में सुधार की है। बाबा ने उनसे कहा, सिर्फ परमात्मा ही किसी को जीवन दे सकता है, मेरा क्या समर्थ है। उसके बाद बालक की स्थिति अब स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा तथा प्रसन्न होकर एक दिन उस परिवार ने पुनः घर जाने का फैसला किया। जाने से पहले उनकी इच्छा थी कि वे एक बार साईं बाबा के दर्शन जरूर करें, इसलिए वे उनके स्थान पर गए, उनका आशीर्वाद लेकर घर जाने की अनुमति मांगी। तो बाबा ने परिवार के मुख्य को 3 रुपए देते हुए कहा, 2 रुपए मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ, इस बार ये 3 रुपए ले जाओ, इन्हें पूजा स्थान पर रखना, ईश्वर का ध्यान करना, सदा अच्छे कर्म करना, तुम्हारा कल्याण होगा। उस वक्त व्यक्ति ने बाबा को प्रणाम कर वे 3 रुपए ले लिए, लेकिन पूरे रास्ते वह इसी सवाल में उलझा रहा कि बाबा ने मुझे 2 रुपए कब दिए थे, मैं तो आज पहली बार ही इनके दर्शन करने आया हूँ, फिर ये मुझे 2 रुपए कैसे दे सकते हैं। इस सवाल पर चिंतन करते हुए वे घर आ गया। उसने अपनी वृद्ध माँ से पूरी बात कही। तब माँ ने उसे बताया, बेटा जब तू बहुत छोटा था तो एक बार बीमार हो गया था, तब तेरे पिता तुझे साईं बाबा के पास लेकर गए थे। उस वक्त साईं बाबा ने तुम्हारे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए तुम्हें 2 रुपए दिए थे। साईं बाबा सिर्फ सिद्ध पुरुष ही नहीं, वे अपने भक्तों के साथ हृदय से जुड़े हुए हैं और इसलिए वे उनके तन मन और जीवन की सब बातें जानते हैं। अपनी माता के मुख से ये सुनकर उस व्यक्ति की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। भक्त माया के वशीभूत होकर भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान उसे कभी नहीं भूलते, विपत्ति में कभी साथ नहीं छोड़ते। तो आप समझ ही गए होंगे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। साईं हमेशा हमारे दिल की हर बात जानते हैं, हमें हमेशा सहायता करने के लिए मौजूद रहते हैं, और हम इंसान ही हैं जो बुरा समय आते ही भगवान को याद करता है और अच्छे समय पे हम उन्हें भूल जाते हैं, पर भगवान हमारा साथ देना नहीं भूलता। जो भी भक्त साईं बाबा को सच्चे दिल से याद करता है और अपनी सारी मुसीबतों को या अपनी परेशानियों को बाबा के समर्पित करता है, तो बाबा अवश्य उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसे उसकी
मुसीबतों से उभारते हैं। भले ही आप उनका साथ छोड़ दें, पर साईं आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो तब तक के लिए नमस्कार और जय साईं राम।